मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हो? मैं जानती हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो अपने लाइफ में। अभी तो लॉकडाउन है, फिर भी हमें आदत हो गई है। और मैं सुबह सुबह जा रही हूँ अपने गार्डन से कुछ वेजिटेबल्स लाने, सब्जियाँ लाने, क्योंकि सब्जी थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसे काटना भी ज़रूरी है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे है इसको वाटर स्पिनच बोलते हैं, ये है मालाबार स्पिनच, तो इन सभी को मैं अपने हाथों से लगाया है। मैं जैसे अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ, मैं प्लांट का भी ख्याल रखती हूँ। और यहाँ पे है नेनुआ, वो थोड़ा सा छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे है करेला, ये थोड़ा सा छोटा छोटा करेला है, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो बड़ा वाला होता है उससे तो अच्छा टेस्ट है, कड़वा है, बहुत ही ज़्यादा कड़वा है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा ये करेला ले रही हूँ। और मेरा ब्रिंजल का फूल आया है, और एक स्नेक गोर्ड है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। तो मैंने यहाँ पे करेला लिया है और स्नेक गोर्ड भी लिया है। तो यहाँ पे उसके बाद मैं सब्जियों को रख के अपने बेटे के साथ थोड़ा सा खेल रही हूँ, वो थोड़ा सा जीत कर रहा था खेलने के लिए, तो उसके साथ थोड़ा सा मस्ती किया है। और देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्ती करता है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, जो मैंने करेला उठाया था अपने गार्डन से उसको मैं फ्राई कर रही हूँ आलू के साथ। और यहाँ पे मेरा बेटा है, उसको लेके ही मैं कुक कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। यहाँ पे जो आलू है वो है, और ये है करेला, इन दोनों को फ्राई करूँगी। और मैं आज बनाऊँगी चिकन, और यहाँ पे मेरी मैं सारी तैयारी कर लिया है चिकन की, तो वो थोड़ा सा खेल रहा है, वो
थोड़ा सा खिल रहा है, उसके साथ ही मुझे खाना बनाना पड़ता है क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है, उसको संभालने के लिए मुझे ही संभालना है और खाना भी बनाना है, और वो दिन के टाइम सोता नहीं है। और यहाँ पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ा सा मस्ती कर रहा है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी उसकी मस्ती। तो वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, गैस ओवन की तरह पहुँच नहीं पाता है। और यहाँ पे मैं आलू को फ्राई कर रही हूँ, करेला को फ्राई कर लिया है, हम चार लोग हैं तो इतना काफ़ी है हमारे लिए। मेरा बेटा अभी खाता नहीं है, अभी ये सब कुछ खाता नहीं है, तो इतना ही काफ़ी है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने बेटे के लिए भी चिकन बनाऊंगी और हमारे लिए भी चिकन बनाऊंगी, और दोनों को एक साथ कर रही हूँ, आप देख पा रहे हो। उसको उसके लिए मैं कुकर पे एक पीस चिकन मैं बनाऊंगी और बाकी हमारे लिए मैं पहले ही मैरिनेट करके रखा है सारा कुछ। आलू को थोड़ा सा फ्राई करके रखा है। और उधर मैं क्या कर रही हूँ, इंडक्शन पे चावल को पकाने के लिए रख दूँगी, उधर चावल हो जाएगा और इधर हमारा जो चिकन है वो हो जाएगा। दीदी भाई बोलो दीदी भाई बोलो,
सो गाइस, आज का वीडियो है इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करना है। आगे से ऐसे बहुत ही सारे वीडियो देखने के लिए मुझे पता है मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा अभी छोटा है और घर का काम और बच्चे को भी संभालना है, और अभी लॉकडाउन है तो मेरी बेटी भी घर पर है तो उसे भी संभालना है, तो मैं अकेले ये सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ और मेरे हस्बैंड और मैं दोनों नहीं कर पा रही हूँ, तो कंटिन्यू इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो आगे मैं बहुत ही सारा प्लान करके रखा है, बहुत ही सारा वीडियो शेयर करने के लिए। तो गाइस, लाइक करना है, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।